सभी को नमस्कार। आज हम दुनिया में पहली कार के बारे में बात करेंगे। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध कार निर्माताओं की पहली कार कार्ल बेंज ने 1885 में पहली कार का निर्माण किया था और तब से कई हजारों कंपनियां खुद के लिए एक नाम बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कुछ बच गए हैं और यहां हम उन कुछ लोगों से कैसे बचते हैं इस पर एक नज़र डालते हैं। कभी कभी चीजें आपके विचार से बहुत अधिक जटिल होती हैं, हालांकि कुछ कंपनियां दो या तीन भी पहली कार का दावा करती हैं। मर्सिडीज बेंज 1886, यह वो जगह है जहां इन सब शुरू हुआ। कार बनाने वाली पहली कंपनी कार्ल बेंज ने अपनी पहली कार 1885 में बनाई थी और उन्होंने जनवरी 1886 में इसका पेटेंट कराया था, लेकिन मर्सिडीज का नाम 1901 तक नहीं अपनाया गया था। उस पहली कार जिसे पेटेंट मोटर वागन कहा जाता है, यहां चित्र में सिर्फ तीन पहिए थे और 0.75 अश्वशक्ति 954 घन सेंटीमीटर सिंगल सिलेंडर इंजन, लेकिन 1893 में बेंज ने अपना पहला फोर व्हीलर बनाया विक्टोरिया, जो 3 अश्वशक्ति 1745 घन सेंटीमीटर इंजन द्वारा संचालित था। प्यूजो 1891, प्यूजो ने 1842 में साइकिल उत्पादन में जाने से पहले नमक और काली मिर्च पीसने की शुरुआत की थी। फिर 1891 में प्यूजो ने अपनी पहली कार एक चार पहिए वाली मशीन का निर्माण किया जिसमें रियर माउंट एक वी ट्विन इंजन था जो चेन के माध्यम से रियर व्हील्स को चला रहा था। उस पहले वर्ष में सिर्फ 5 कारें बनाई गई थी, लेकिन यह 1892 में बढ़कर 29 हो गई। 1900 तक प्यूजो का उत्पादन एक वर्ष में 500 कारों तक हो गया। फोर्ड 1896, हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली प्रायोगिक कार 1896 में बनाई थी। फोर्ड क्वारसाइकी के नाम से जानी जाने वाली रेल गाड़ी एक बार भी बंद रही थी। 1899 तक फोर्ड ने डिट्रॉयट ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना की थी, जिसका 1901 में नाम बदलकर हेनरी फोर्ड कंपनी कर दिया गया था। एक साल के भीतर फोर्ड अपने वित्तीय बैकरों के साथ बाहर हो गया था और उन्होंने 1903 में एक नया उद्यम स्थापित करना छोड़ दिया, फोर्ड मोटर कंपनी। रेनॉल्ट 1898, लुईस मासेल और फर्नांड रेनॉल्ट ने 1899 में सोसाइटी रेनॉल्ट फ्रेरेस की स्थापना की, जिसने पहले ही एक प्रोटोटाइप 1 CV वॉल्वर 8 बनाया था। 32 किलोमीटर प्रति घंटा की क्षमता टाइप ए को 1903 में उत्पादन से बाहर जाने तक एक वार्षिक नया रूप मिला, जिस बिंदु से इसे मूल 1 अश्वशक्ति इकाई के स्थान पर 5 अश्वशक्ति इंजन के साथ लगाया गया था। फैब्रिका इटालियाना डी ऑटोमोबिली टोरिनो की स्थापना 1899 में हुई थी और इसका पहला कारखाना 1900 में खुला। उस साल सिर्फ 24 कारें बनी थी। कंपनी का पहला मॉडल 4 HP था, जिसे शुरुआत में 679 घन सेंटीमीटर के फ्लैट ट्विन इंजन के साथ लगाया गया था। बाद में कारों को 837 घन सेंटीमीटर यूनिट मिली। फिएट सिर्फ 35 कर्मचारियों के साथ शुरू हुई। 1908 तक पेरोल पर 2700 लोग थे और हर साल 5000 कारों का उत्पादन करने में सक्षम थे। आज प्रश्नोत्तरी, पहली बार कार किसने बनाई? एक मर्सिडीज बेंज 1886, 2 फोर्ड 1896, 3 ड्यूक 1899, 4 कैडिलैक 1902। जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें।